प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको ओड इवन का प्रोग्राम बना के दिखाएंगे कि सी लैंग्वेज में आप कैसे प्रोग्राम के जरिए ये पता कर सकते हैं कि हमारा इनपुट किया गया नंबर इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। तो सबसे पहले ओड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं आपको मैं वो बता देता हूँ। ऐसा नंबर जो दो से पूरी तरह से डिविजिबल होता है उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, उन नंबर्स को हम कहेंगे इवन नंबर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर है जो दो से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसके अलावा जो नंबर बच जाते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर। ये टू से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर को हम क्या कहेंगे, उन नंबर को हम कहेंगे ऑड नंबर। और हमें प्रोग्राम के जरिए बस यही पता करना है कि हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। तो देखो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, 2, 4, 6, 8 ये इंटीजर वैल्यू है। तो सबसे पहले हम नंबर को स्टोर करने के लिए जो हम नंबर इनपुट करेंगे उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का एन नाम का। इसी एन वेरिएबल में हम क्या करेंगे, नंबर को इनपुट कराएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो इवन है या फिर ओड है। तो स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम सी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, इनपुट लेते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को हम इनपुट ले सकते हैं इस फंक्शन की मदद से। फिलहाल हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लेना है, तो परसेंट डी फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटीजर वैल्यू के लिए है। वेरिएबल एन में वैल्यू देनी है, इसीलिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एन, ठीक है। वेरिएबल एन के एड्रेस में हमारा नंबर इनपुट होगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ अपने समझने के लिए प्रिंटफ फंक्शन की मदद से, यहाँ पे वो मैसेज क्या होगा, एंटर एनी नंबर, ठीक है। नंबर इनपुट हो चुका है, अब बस हमें चेक करना है कि वो इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। तो दो तरीका होता है ओड इवन पता करने का, एक नॉर्मल तरीका जो अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ और एक इंटरव्यू वाला तरीका, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका होता है, इसके लिए हम इफ एल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले इफ एल्स का जो सिंटैक्स होता है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तरीका क्या है, अगर नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था टू से डिविजिबल होकर रिमाइंडर जीरो दे, यानी पूरी तरह से डिविजिबल रहेगा, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर होगा इवन नंबर। तो ये सिंपल सा लॉजिक है पहला तरीका। तो यहाँ पे लिख दो इवन नंबर, ठीक है। और मान लो नंबर दो से डिविजिबल नहीं है पूरी तरह से, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा हमारा ऑड नंबर। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में लिख दो प्रिंटफ की मदद से ओड नंबर। इन दोनों कंडीशन में से एक टाइम में एक कंडीशन ही ट्रू होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला मैसेज आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एल्स पार्ट वाला ओड नंबर का कोड एग्जीक्यूट होगा। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करा के आपको हम आउटपुट दिखाते हैं, उसके बाद हम ट्राई रन कर देंगे, ठीक है। F11 प्रेस करते हैं हम। तो यहाँ पे एक एरर आया है सेमी कॉलन के लिए लाइन नंबर 7 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया था इसीलिए एरर बोल रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी हमें क्या बोलेगा, नंबर इनपुट करने बोलेगा। तो यहाँ पे हम नंबर इनपुट कर देते हैं कुछ भी, जैसे एक नंबर 79। तो यहाँ पे देखो मैसेज क्या आया है, ओड नंबर। तो ये क्यों आया है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने एंटर एनी नंबर में स्कैनफ फंक्शन की मदद से यहाँ पे देखो एक नंबर इनपुट किया। क्या नंबर इनपुट किया, 79, ठीक है। एन का वैल्यू है 79, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन चेक किए, क्या 79 टू से डिविजिबल हो के रिमाइंडर ज़ीरो देता है, नहीं, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन हमें तो ज़ीरो चाहिए। तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ एल्स पार्ट में ओड नंबर का ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर फिर से हम प्रोग्राम को रन करें और एक और नंबर ले लें, जैसे नंबर हम ले लेते हैं 24। तो अभी देखो इवन नंबर है क्योंकि 24 टू से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये एक तरीका हो गया ओड इवन पता करने का। अभी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे कैसे पूछेगा, बोलेगा इस रिमाइंडर ऑपरेटर के बिना आप मेरे को बताओ कि कैसे आप पता कर सकते हो कोई नंबर ओड है या फिर इवन।
तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो भी नंबर इनपुट कर रहे हैं ना, हम उसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम क्या होगा हमारा, m होगा। ठीक है, जो भी नंबर इनपुट कर रहे हैं सबसे पहले हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर को आधा करेंगे। जब नंबर हमारा 2 से डिवाइड होके आधा हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा नंबर m में स्टोर है तो हम उस नंबर को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, ओरिजिनल नंबर के साथ करेंगे। ओरिजिनल नंबर हमारा इस n में है। इन सारे चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इसको भी हम आपको ड्राई रन करके समझा देंगे। सबसे पहले इस m वेरिएबल को अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, तो कर लेते हैं और प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखाते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। एक नंबर इनपुट कर देते हैं 12, तो यहाँ पे देखो इवन नंबर बोल रहा है 12, इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे n में हमने क्या नंबर इनपुट करा, 12, तो वो नंबर क्या होगा, यहाँ पे उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 12 को हम 2 से डिवाइड करके क्या किए, हाफ कर दिए। नंबर क्या बन गया, 6। ये 6 किस में जाके स्टोर हो गया, m नाम के वेरिएबल में। m का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया 12 को। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन में कंपेयर करेंगे, क्या हमारा 6, ठीक है, क्योंकि m का वैल्यू 6 है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल इक्वल n के साथ बराबर है, n का वैल्यू क्या इनपुट किए थे, 12। तो यहाँ पे देखो 6 टू जो 12 और यहाँ पे भी 12 है, ये इक्वल हो गया, तो इवन नंबर। एक बार और प्रोग्राम को रन करते हैं, कोई दूसरा नंबर इनपुट करते हैं, जैसे हम कर देते हैं 43। तो अभी देखो ओड नंबर आया जो कि बिल्कुल सही रिजल्ट है। तो ओड नंबर अभी कैसे आ रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। n का वैल्यू मैंने 43 लिया। अभी अगर 43 को यहाँ पे हम हाफ करें, 43 को हाफ करने से क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलेगा हमें 21.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस n का टाइप क्या है, n का टाइप है इंटीजर, तो ये 0.5 को नहीं लेगा, ये सिर्फ 21 को ही कंसीडर करेगा। ठीक है, m का वैल्यू अभी 21 ही रहेगा। अभी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, m का वैल्यू है 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 43 है। 43 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या बराबर हो रहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू हो रहा 42 और यहाँ पे हमारा नंबर है 43। ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा ये ओड नंबर का कोड एग्जीक्यूट कर गया एल्स ब्लॉक का। तो ये स्मार्ट तरीका है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे यही जानना चाहता है, वो सेकंड तरीका आपसे पूछेगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए। पूरा सी प्रोग्रामिंग सीखना है एक वीडियो में, तो इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए जो आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है।